जय भीम साथियों, आज राष्ट्रीय इनकार पार्टी दिल्ली रंगपुरी पहाड़ी क्षेत्र में आई हुई है। जैसा कि राष्ट्रीय इनकार पार्टी दिल्ली में परिवर्तन करना चाहती है और उस परिवर्तन के लिए दिल्ली के समस्त बहुजन समाज को संगठित करने का प्रयास कर रही है और पूरी दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय इनकार पार्टी बहुजन अधिकार यात्रा निकाल रही है। आज बहुजन अधिकार यात्रा रंगपुरी पहाड़ी क्षेत्र में आई हुई है और हम चाहते हैं कि दिल्ली में जितने भी जो कि कैंप है, जितनी भी जे कॉलोनी है, जितनी भी दिल्ली के गरीब और बहुजन समाज के लोग हैं, सबको संगठित कर जो उनके हक अधिकार हैं, जो उनको मिलनी चाहिए, जो सुविधा उनको मिलनी चाहिए, उसको राष्ट्रीय इनकार पार्टी दिलाना चाहती है। और राष्ट्रीय इनकार पार्टी ये चाहती है कि भाई आने वाला दिल्ली का मुख्यमंत्री बहुजन समाज का हो, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का हो। तो साथियों, दिल्ली की जनता को जागृत होकर और ख़ासकर दिल्ली में जितने भी जे कैंप हैं, जे क्लस्टर कॉलोनियाँ हैं, उनके जितने भी गरीब असहाय और जिनको अधिकार चाहिए, तो उनको सबको संगठित होकर राष्ट्रीय जनता पार्टी का साथ देना होगा। जब दिल्ली के लोग पूरी सहमति बनाकर ये चाहेंगे कि हाँ भी दिल्ली में एक अच्छी और काम करने वाली सरकार आए, राष्ट्रीय जनता पार्टी की सरकार आए, तो दिल्ली के लोग मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका जरूर देंगे। साथियों, मैं दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर दिल्ली की जनता ने राष्ट्रीय जनता पार्टी को दिल्ली में अपनी सेवा करने का मौका दिया, तो वाकई दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय इनकार पार्टी ऐसा काम करना चाहती है जो आज तक हो सकता किसी पार्टी ने और किसी लीडर ने ना किया हो। क्योंकि राष्ट्रीय इनकार पार्टी करने में विश्वास करती है, ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करती, हम लोग काम करने वाले लोग हैं। तो दिल्ली की जनता से और दिल्ली में जितने भी जे क्लस्टर कैंप हैं, दिल्ली में जितनी भी झुग्गी बस्तियाँ हैं, अगर आप चाहते हो कि भी आप लोगों को मकान मिले, तो उसके लिए भी राष्ट्रीय इनकार पार्टी ने अपने एजेंडे में योजना बनाई हुई है कि अगर दिल्ली में राष्ट्रीय इनकार पार्टी की सरकार बनी, तो दिल्ली में जितनी भी झुग्गी बस्तियां हैं, उनको जो है पार्टी मकान बना के देगी, अस्थायी रूप से उनको डेवलपमेंट करेगी। क्योंकि हम चाहते हैं कि इस देश के और दिल्ली के गरीबों को भी, पिछड़ों को भी बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, उन्हें भी जैसे अच्छे लोग साफ़ सुथरे अच्छे जगहों पर रहते हैं, तो दिल्ली में जितने भी हमारे झुग्गी झोपड़ी के निवासी हैं, उन्हें भी सम्मान से जीने का और स्वस्थ और अच्छे जीवन जीने का अधिकार है। ये राष्ट्रीय इनकार पार्टी का उद्देश्य है। तो चाहते तो साथियों, दिल्ली के लोगों से हमारी ये निवेदन है और जो अपील है कि दिल्ली के लोग इस परिवर्तन यात्रा में, इस बहुजन अधिकार यात्रा को सफल करने के लिए अपना पूर्ण सहयोग करें, समर्थन करें और राष्ट्रीय इनकार पार्टी की आने वाली सरकार को पूर्ण बहुमत से बनवाएं, ऐसी मेरी कामना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय भीम, जय संविधान।